शुरू करें। और भाई क्या हाल चाल, जाता के सब बढ़िया होंगे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं हूँ हर्ष सितारिया और आज हम देखने वाले हैं ये जो अपनी मारुति की गाड़ियाँ आ रही हैं अब 2022 में, तो इनमें VXI वेरियंट्स में और नेक्सा की गाड़ियों के डेल्टा वेरियंट्स में आपको ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा देखने मिलता है। नहीं सॉरी, MID, ऐसी MID देखने मिलती है जो कि आपको टच मिल जाती है लेकिन आपको वैसी नहीं मिलती, मतलब आप इसमें LED नहीं मिलती, मतलब एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आप इसमें नहीं चला सकते हैं, लेकिन ये आपको टच मिल जाती है। देखिए इसके बटन्स जो हैं सब आपको टच मिलते हैं। तो पहले तो यार साथ होता, मैं हर वीडियो में कहता हूँ लेकिन यार अब वीडियो नहीं आ पा रही है। मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन 27 तक भाई ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ चल रहे हैं इलेक्शन और उसके चक्कर में गाड़ी लेकर निकल नहीं पा रहा हूँ कहीं बाहर, तो वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। तो समझ लो 27 तारीख तक बस तुम्हें थोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद तो वीडियो डेली आने वाली है। तो पहले तो AC कम करते हैं, इसकी आवाज़ आ रही है। तो अब देखते हैं भाई इसमें क्या मारुति दे देती है आपको। अगर आप मिड वेरिएंट्स में जाते हैं तो आपको ये वाली MID कुछ मिलती है। तो इसमें पहले तो आप भाई बटन आता है रेडियो का, इससे आप इस पर रेडियो पर स्विच कर सकते हैं। मीडिया आ गया, चैनल चेंज हो गए, तो रेडियो के मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टेयरिंग पे से। मीडिया का बटन आ गया और ये आपको कुछ आपको इधर सेटअप का बटन मिल जाता है, ये सब आप इधर से वॉल्यूम प्लस माइनस आप कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, और आप इधर से ट्रैक चेंज कर सकते हैं। और ये आपके स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आते हैं, आप इससे मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे ये मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो ये हो रहा है, और इससे आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ये आपका म्यूट का बटन आ गया, ये कॉल पिकअप के लिए, ये डिक्लाइन के लिए, और ये ब्लूटूथ के, इसके आगे बताऊँगा। तो ये आ जाता है आपका इसमें। और सेटअप में आप इसमें ऑप्शन आता है, एक सेटअप में जाते हैं आप इसमें थर्ड नंबर पे जो बटन आता है, तो इसमें साउंड है आप, ये 6 नंबर पे डिस्प्ले और एंटर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका ये इक्वलाइजर कर सकते हैं, बेस, ट्रेबल, बैलेंस, फेडर, ABC। तो आप इसमें अगर एंटर करेंगे तो आप ये बेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और ये आपका अगर आप इस पर जाते हैं तो इसमें मोड्स आते हैं, जैज़ ऑफ भी कर सकते हैं अपने कस्टम कर सकते हैं, रॉक, पॉप, क्लासिक, हिप हॉप, ये आप ऐसे कर सकते हैं। और ये जो अपना बेस्ट जो आप देखते हैं इसका बेस्ट आउटपुट निकाल के देती है रॉक पे, तो मेरा इस टाइम रॉक पे ही है ये, जिसमें आपको बेस जो है 3 पे रखती है, ये जैज़ हो गया, मैं अभी इसे रॉक पे कर देता हूँ। अब देखें बेस और ट्रिपल, ये दोनों 3 पे रखती है। तो ये जो स्पीकर्स आते हैं मारुति की मिड वेरिएंट में, स्विफ्ट VXI में बैठा हूँ इस टाइम 2022 वाली में, तो इसमें 4 स्पीकर्स आते हैं चारों डोर्स पे। ट्विटर इस ऑप्शन इस वाले मॉडल में नहीं आते हैं, तो ये जो अच्छा मतलब सही बना देती है बेस, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ठीक बना देती है। और अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं जैसे मैक्स कर लेते हैं तो फिर उस पर इसकी वो फटने लगती है, बेस भी फटती है और वॉल्यूम भी फटने लगती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता, गाड़ी धमधम तो करती है लेकिन बेकार लगती है। तो फिर आता है आप इसमें सेटअप में जाते हैं तो फिर एक ब्लूटूथ का आ जाता है। ब्लूटूथ में आप देखें तो इसमें ये सेटअप ब्लूटूथ सेटअप कर सकते हैं आप, यहाँ से पेयर कर सकते हैं, फ़ोन के लिए चेक सकते हैं, ऑडियो पास की चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं इसका, और ब्लूटूथ की इंफॉर्मेशन और इनिशियलाइज मतलब आप इसे रीसेट कर सकते हैं। और एक टेलीफोन का ऑप्शन आता है, अभी फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो आप उससे कॉल नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम में गए हम, सिस्टम सेटिंग आती है, बीप है, जैसे ये बीप मैं इस पर क्लिक करा ऑफ़ कर दी, तो जैसे मैंने बीप ऑफ कर दी तो अब ये बीप नहीं करेगा। ये स्लाइड है और सेंसिटिविटी मैंने हाई कर रखी है, तो स्लाइड जैसे मैं इस पर गया तो ये जैसे ये है ना, आप ऐसे करेंगे तो वॉल्यूम स्लाइड करने से भी कम ज़्यादा होती है, तो ड्राइव करते पे ये ठीक रहता है, बटन दबाने बजाय आप बस स्लाइड कर दें तो वो आपका चेंज हो जाता है, तो ये भी ठीक लगता है, इसलिए मैंने इसे कर रखा है। और इसमें क्या मिलता है आपको, बस ये आता है चैनल फील्ड, आप जब रेडियो वगैरह सुनते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये बैक करने का बटन है, जैसे हम इसमें गए सेटअप में गए तो आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। और ये एंटरटेनमेंट डिस्प्ले मैंने आपको बता ही दिया, डिस्प्ले और एंटर का बटन है। और आपको अगर आप चाहते हैं आपको फ़ोन पेयर करना है अपना और आप इससे जैसे कि सेटिंग में नहीं जाना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर पा रहे हैं इसमें अभी, तो सेटिंग में आपको नहीं जाना है तो आपको बस ये बटन दबाना है और आप यहाँ से पेयर कर सकते हैं अपना फ़ोन। तो ठीक है भाई, बस ये था, इसमें ज़्यादा फीचर नहीं आते हैं। गाने वाने सुनने के लिए आप इसमें अपनी USB ऑक्स लगा सकते हैं, ये रही आप यहाँ पे अपनी USB ऑक्स लगा सकते हैं, और ब्लूटूथ तो है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसमें आराम से सुन सकते हैं। कनेक्टिविटी का इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता है और गाड़ी चलाते पे डिस्कनेक्ट भी नहीं होता, हिलता विलता भी नहीं है, तो बढ़िया है। ठीक है भाई, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई वीडियो रोज़ आएगी 27 के बाद,
अभी 27 तक एक दो दिन ऐसे काम चला लेना, ठीक है? तो फिर होती है मुलाकात किसी नई वीडियो में। बाय।